तो हेलो गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट एक्स पर। तो गाइज, आज हम करेंगे डायमंड प्लानर का मशीन। ये मशीन ओरिजिनल डायमंड की प्लानिंग करता है गाइज। तो ये मशीन आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसमें आप काम करके कितने रुपए कमा सकते हो। और अगर आपको सीखना है तो सिखा भी दूंगा इस वीडियो में, सब हम करने वाले। तो अभी दिखाना मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए गाइज, अभी ये जो आपको काला काला अंदर दिख रहा है वही है ओरिजिनल डायमंड। देखिए अभी मैं इसको वाइट करता हूँ। तो देखिए गाइज, अभी देखो मैंने इसको कर दिया है। ये कच्चा हीरा हमारा, जो कच्चा हीरा होता है उसका ये मशीन अभी प्लानिंग करेगा। ये हीरा देखो इधर है, ये बहुत छोटा हीरा है, शायद आपको ना दिखे। अब करते हैं इसका प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के लिए हम गाइज करेंगे, देखो इधर लेसर का जो लिखा हुआ है उसको हम दबाएंगे तो हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो इधर मैपिंग हो रही है हीरा की, देखो इधर मैपिंग हो रही है। ये जो होता है वो लेसर से ऐसे, देखो अभी हमारा हीरा जो था वो आ गया है, सिर्फ 20 सेकंड में ही आ जाता है। देखो अब हम इसको प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हीरे का पूरा प्लान आ गया है। तो इसको प्लानिंग मशीन क्यों बोलते हैं? तो प्लानिंग मशीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हीरा का प्लान करता है। और इसको सरिंग मशीन भी बोला जाता है। सरिंग मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर जो है मार्किंग लगती है हीरे की, उसको बोला जाता है सरिंग। इसीलिए इस मशीन को सरिंग भी बोला जाता है। और देखो गाइज, यहाँ पर सरिंग होने के बाद ये हीरा लगने के लिए जाता है, जिसको हम टिचिंग बोलते हैं। वो टिचिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। और टिचिंग होने के बाद यहाँ पर फॉर्पी में आ जाता है। देखो ऐसे लग के हीरा आ जाता है। देखो इसमें साइन है, लेकिन ये हीरे में तो अभी नहीं दिख सकता क्योंकि बहुत छोटा है। यहाँ पर देखो ये अभी साइन भी आपको दिखाता हूँ कैसी सरिंग लगी है। तो देखो गाइज, ये देखो इधर जो लगी है वो सब सरिंग है, मतलब यही जो प्लान है वही है इसमें। देखो ये वाला प्लान है इसमें, देखो अब आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा। और अगर आप हीरे में काम करना चाहते हैं, मतलब डायमंड में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही मशीन सीखिए, क्योंकि गाइज ये थोड़ी सी इजी मशीन है जो आप सीख सकते हो जल्दी से और हीरे में पैसे कमा सकते हो। इसमें 20 से 25 हज़ार का मंथली काम होता है, उससे भी ज़्यादा भी करते हैं और इससे कम भी करते हैं कई लोग। तो गाइज अभी आपको टीचिंग का मशीन दिखाता हूँ। चलिए आपको टीचिंग का भी दिखाता हूँ कैसे टीचिंग होता है हीरा। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा टीचिंग मशीन और ये भाई हमारा टीचिंग करता है। देखो ये वाला भाई, ये नेपाल से है भाई, हमारे सूरत में ये भाई नेपाल से काम करने के लिए आए हैं। और देखो ये टीचिंग कर रहे हैं, इस तरीके से टीचिंग होता है। देखो अभी ये भाई दिखाएंगे कैसे टीचिंग होता है। देखो ये वाला हीरा है हमारा, जो कैमरे में बड़ा सा दिख रहा है। और ये भाई नेपाल से काम करने आए हैं। और मंथली कितना काम करते हैं वो आपको पता है? ये भाई मंथली 30 से 35 हज़ार तो काम करते ही करते हैं भाई, उससे भी ज़्यादा कभी कभी चले जाते हैं भाई, इतना काम टीचिंग में होता है। टीचिंग गाइज, अगर आप टीचिंग भी सीखोगे तो उसमें भी भाई उसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें कोई मशीन बहुत मशीनरी नहीं रहता है। इसमें अगर आपका हाथ का स्पीड होगा, मतलब हैंड का आपका स्पीड होगा, तो आप काम कर सकते हो टीचिंग का भी। और टीचिंग में भी गाइज बहुत अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों अभी फॉर्पी वाले भाई से मिलाता हूँ और फॉर्पी भी आपको दिखाता हूँ और इनसे भी हम बात करते हैं कि कितना मंथली कमाते हैं। तो भाई आप मंथली कितना कमाते हो? मैं 20 से 25 हज़ार कमाता हूँ। 20 से 25 हज़ार कमाते हो? यस। ओके ओके। और गाइज मैंने इस पर अपनी पूरी एक वीडियो भी बना रखी है, वो कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पहले इसका वो पार्ट वन देखो, फिर मैं पार्ट टू भी इसका बनाने वाला हूँ। इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज देखो ये मशीन है वो मल्टी मशीन है, और इसका अभी देखो ये मशीन बंद है, लेकिन इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसमें तो गाइज अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, 30 से 35 हज़ार रुपये इसमें भी आप कमा सकते हो। लेकिन ये मशीन अभी बंद है, इसका वीडियो भी जल्दी आएगा। तो गाइज आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।